हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कैप्सूल है इसका मेन कंपोजिशन होता है डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टोबैसिलस से। इस कैप्सूल के अंदर जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो 100 mg होता है और लैक्टोबैसिलस के 5 billion स्पोर्स इस कैप्सूल के अंदर होते हैं। ये जो डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल है इसे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ये कंपनी बनाती है। और दोस्तों, इस कैप्सूल की जो वन स्ट्रिप आती है उसके अंदर 10 कैप्सूल्स होती है और इनकी प्राइस है 100 rupees। देन हम यूजेस देखते हैं डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल के। दोस्तों, ये जो कैप्सूल है वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते है और इस कैप्सूल का उपयोग हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए करते है। देन साइनोसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शंस जो कि बैक्टीरिया के वजह से होता है, इन्हें ठीक करने के लिए भी इस डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल का उपयोग करते हैं। देन पिंपल्स जो कि स्किन इन्फेक्शन है, इन पिंपल्स को भी हटाने का काम ये डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल करती है। और दोस्तों, ये डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल हम ट्रैवलर्स डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं। तो ये मेन डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल के यूजेस है। देन अब हम डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल के डोसेस देखते हैं। दोस्तों, ये जो कैप्सूल है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। इस कैप्सूल के जो अडल्ट डोस है वो है 2 कैप्सूल्स पर डे। दिन के आपको 2 कैप्सूल लेनी है और ये कैप्सूल आपको खाना खाने के बाद लेनी है। और दोस्तों, जो डॉक्टर ने आपको कोर्स प्रिस्क्राइब किया है उसे आपको कंप्लीट करना है। यदि आपको बेटर फील होता है तो भी आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो ये मेन डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल के डोसेज है। देन डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल वर्क कैसी करती है। दोस्तों, ये जो कैप्सूल है इसके अंदर हमें पता है कि डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टोबैसिलस होता है। जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो एंटीबायोटिक है, यानी वो बैक्टीरिया को किल करता है। वो मेनली बैक्टीरिया को जो इसेंशियल प्रोटीन्स लगते हैं उनके सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है और उसके वजह से बैक्टीरिया के जो वाइटल फंक्शंस होते हैं वो कैरी आउट नहीं होते हैं। ऐसे मेनली ये डॉक्सीसाइक्लिन काम करता है। देन जो लैक्टोबैसिलस है वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया जो होती है उनका बैलेंस मेंटेन करते हैं। देन डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल की सेफ्टी देखते हैं। दोस्तों, ये जो डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल है वो अल्कोहल कंज्यूमर्स के अंदर सेफ है, वो इस कैप्सूल को ले सकते हैं। देन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर इस कैप्सूल का यूज करना सेफ है। दोस्तों, जब आप ये कैप्सूल लेते हो तब यदि आपकी स्किन के ऊपर इची रैश दिखने लगते हैं, देन आपके फेस, थ्रोट और टंग के ऊपर स्वेलिंग आती है, या तो आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, तो आपको तुरंत ये कैप्सूल लेना स्टॉप करना है और ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन जो किडनी डिसीज के पेशेंट है उनके अंदर इस कैप्सूल का डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, इसलिए उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये मेन डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल की सेफ्टी है। और लास्ट में देखते हैं कि साइड इफेक्ट्स ऑफ डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल। दोस्तों, ये जो डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल है इसके वजह से मेनली डायरिया, वोमिटिंग, नॉजिया और स्टमक पेन ये साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। ये साइड इफेक्ट्स जनरली ओवरडोज के वजह से दिखते हैं, इसलिए आपको इस कैप्सूल के ओवरडोज नहीं लेने हैं। जो डॉक्टर ने आपको कोर्स प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन आपको ये कैप्सूल लेनी है। तो ये संपूर्ण जानकारी है डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल की। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।